Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है यार आप सब लोगों के। गाइज आज हम लोग Farlight 84 के ऊपर वापस से आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई काफी दिन हो गए थे Farlight 84 की वीडियो नहीं डाली। यार आज हम लोग अलग क्या करने वाले हैं इसमें? यार अलग तो कुछ नहीं करने वाले, बस एक चीज करने वाले हैं कि भाई जो पहली जगह हमें दिखेगी, मतलब जैसे ही हमें जंप का साइन आएगा और जो पहली जगह होगी वहीं कूद जाएंगे भाई। तो आप यार यहाँ पे मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे ही हमें कूदने को मिलेगा इस टॉवर के नीचे, क्योंकि यार और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई पहली जगह जब भी कोई कूदता है ना तो यार सबको एक्साइटमेंट होती है कि यार हम पहले कूदेंगे और भाई सबसे पहले बंदे मारेंगे। लेकिन यार वो एक्साइटमेंट लेके तो मैं भी जा रहा हूँ, बट अब देखते हैं यार कौन जीतता है। तो यार ये हम लोग उतर चुके हैं नीचे और यार मेरे को अपने कूदने के अलावा बाकी बंदों के भी कूदने की साउंड आ चुकी है, क्योंकि यार कैप्सुलर खुलते हैं तो आपको पता ही चल जाता है। अब यार पता नहीं कितने बंदे आएंगे यार, लेकिन मैं एक ही चीज़ प्रे कर रहा हूँ यार कि भाई हाथ में गन हो। यार बिना गन के मरने में ना जो दुख होता है ना वो यार कहीं और नहीं होता है। चलो भाई गन तो मिल गई यार, इतना तो दिख गया, बट कोई पहले ना उठा ले। चलो भाई पहले तो उठा ली गन, अब भाई इनको पेलते हैं। यार देखो कार कैसे भाग रहे हैं यार, कसम से मजा आ जाता है यार जब भगा भगा के मारो तो। गाइस दोनों गन्स में एमो खत्म हो चुका है और मेरे को यहाँ पे ओके यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख चुका है भाई, थोड़ा सा एमो रह गया और ये एसएमजी किसी काम की नहीं है, सच बता रहा हूँ भाई। बहुत ट्राई किया मैंने ऐसे बंदे मारने का, लेकिन अबे भाई ये देखो इसको, ओ ये कहाँ चला गया? अबे भाई ये तो भाई ये हवा में लैंड करके वापस घर के अंदर आ गया यार, मैं तो बाहर मारने जा रहा था इसको। ओ कोई नहीं यार यहाँ पे तो एमो। ओ भाई एक और बंदा दिख गया यार, ये बोलने नहीं देंगे मेरे को कसम से, पहले इनको खत्म करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, ओके तो इससे कुछ मिल रहा है? नहीं भाई इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यार मैं इसके बदले कोई और गन ले लूँ, ये गन ले लेता हूँ भाई, इसके बदले कुछ काम तो आ जाएगा कम से कम। अबे ये वाइट ड्वार्फ का ही है वैसे, मतलब इसका अपग्रेडेड वर्जन है शायद से, तो वही जब अपडेट आया था उसके बाद। ओके गाइस ये देखो यहाँ पे बंदा उड़ रहा है हवा में, तो मुझे ये पीछे आएगा भाई, मेरे को पीछे हो जाना चाहिए। ये मुझे बोला, मेरे को पता था भाई, देखो ये पीछे आया मारने के लिए मेरे को, अगर मैं सामने जाता तो सामने मेरे को खतरा था, बट मैं नहीं गया, तो मेरे को पता था क्योंकि भाई ये करेगा। और ये देखो अब इसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, ये मेरे पे पुश मारने जा रहा है भाई। ओ इसके साथ तो स्कैम हो गया यार, ओ भाई 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 भाई, भाई गलत हो गया यार इसके साथ। बट एक चीज़ यहाँ पे साबित होती है कि जब मैंने इसको डैमेज दिया और उसी टाइम इसने मेरे को पीछे मुड़ के मारा, तो यार इसके माइंडसेट से तो लग रहा था प्लेयर बहुत अच्छा है, तो अगर मेरे को ये देख लेता पहले तो शायद काफ़ी डैमेज दे सकता था या ख़त्म भी कर सकता था। बट यार प्लेयर अच्छा था, मेरे को समझ आ चुकी थी कि ये पीछे आके अगर मेरे को मारेगा तो भाई थोड़ा संभल के रहना। ओ भाई ये देखो सामने, अबे यार ये स्कोप, अबे ये मैंने अभी नोटिस किया ये कौन सा स्कोप लगा दिया भाई एनिमी ने इसके बीच में। भाई ये सच में मेरा बुलेट नहीं, मतलब मेरी गन का ऐसा लोडआउट नहीं है, ये किसी और बंदे ने शायद सेट किया हुआ है। बट यार इसने जो भी किया ये काफ़ी अलग कर दिया भाई, इतना बड़ा स्कोप क्यों लगा दिया भाई? अगर क्लोज में मारना हो किसी को, अभी जैसे इसी को मार रहा हूँ जैगर को मैं, तो अभी मैं तो इसी गन से यूज़ करूँगा ना भाई, इतना क्लोज वाला। ये भाग रहा देखो, ओ भाई उतार दिया, मेरे को पता था स्ट्रेट जाएगा तो भाई उतरना तो है इसने, क्योंकि भाई पीछे से कोई कवर नहीं है इसको, सामने से ही कवर होता है बचाने का, बट पीछे से कैसे बच सकता है कोई। हाँ तो मैं स्कोप की बात कर रहा था भाई, खतरनाक ही स्कोप लगा दिया यार इसने तो। अच्छा एक मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो, मतलब आपके सामने जैगर जा रहा है और भाई आपके पास मतलब ज़्यादा कवर वगैरह नहीं है, तो क्या आप लोग उसको ओपन में मारोगे या भाई कहीं छुप जाओगे या उसको जाने दोगे, तो क्या करोगे आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। ओके तो भाई कोई महाशय स्नाइपर चला रहे हैं, लेकिन भाई चला किस पे रहे हैं वो मुझे पता करना है, क्योंकि भाई दो बंदे तो होंगे ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि स्नाइपर तो चला। ओके ये देखिए एक मेरे को भाई, ये पेटी लूटने जा रहा है भाई, किसकी पेटी लूट रहा था ये भाई? अच्छा यहाँ पे कोई फाइटिंग चल रही है भाई ये तो। ओके एक को मार दिया, मतलब नॉक पड़ा हुआ था और उसको मैंने ख़त्म कर दिया भाई, इसको भी किल कर लेते क्योंकि भाई वो मेरा बदला ना ले ले, मतलब मैंने उसका किल चुराया और वो मेरा ना चुरा दे भाई, होता है यार कभी। ओ भाई ये कौन है? अबे भाई ये इसको शायद ये ग्लिच हो चुका है, मतलब मर चुका है, बट ये खड़ा हुआ दिख रहा है मेरे को, खड़ी हुई दिख रही है, सॉरी यार फैंटम से ही कैसे बात कर सकता है यार ऐसे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके तो गाइस अब मेरे हिसाब से बंदे यहाँ पे हो चुके ख़त्म, बट यार यहाँ पे मेरे को फिर भी लग रहा है कोई हो सकता है यार, क्योंकि आसपास से सन्नाटे की भाई ये देखो यहाँ पे पड़ने लग गई गोलियाँ, मैंने बोला ही था, लेकिन भाई यहाँ पे बंदे आ चुके हैं वापस से, मेरे को पता नहीं टीम है कि नहीं भाई यहाँ, लेकिन पहले हील मार लेता हूँ, मेरे को कोई भरोसा नहीं है क्या होने वाला आगे, पहले हील मारना भाई ज़्यादा सेफ रहता है। तो यार अभी वो सोच रहा होगा कि यार मैं उसके सामने से निकलूँगा, बट यार मैं एक कदम आगे की सोचने वाला हूँ, तो यार यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर उसके पास कोई भी ऐसी गन हो चुकी है ना कोई भाई जो मेरे को नुकसान पहुँचा सकती है, तो भाई वो कोई टाइम नहीं लगेगा मेरे को ख़त्म करने का, तो भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ। लेकिन यार मेरे को सामने से कोई व्हीकल की आवाज़, भाई ये शायद वही है भाई, मेरे को लग रहा है वही है आया मेरे पास, इसको पता था मैं आई हूँ, मतलब भाई ये वही है और ये व्हीकल लेके आया हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में व्हीकल लेके क्यों नहीं आया वो मुझे पता नहीं चला भाई। अब इससे भाई मुकाबला होगा, देखते भाई क्या होता है।
गाइस डैमेज तो इसको भी बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे फारलाइट 84 वालों ने जो अपडेट में ये चीज फिक्स की है कि भाई जो ऑटो एम कभी कभी बीच में लग जाता था कि यार एकदम मतलब व्हीकल से सीधा आपके ऊपर ही एम लग रहा था, वो इन्होंने ठीक कर दिया भाई। वो सही बात है, वरना अभी तक मैं यहाँ जिंदा नहीं होता, उस पेड़ के सहारे ही मैं बचा हुआ था। बट यार इसको खत्म करने की तो पूरी कोशिश करूंगा मैं। नहीं भाई ये भाग गया, और भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा पंगे लेने भी नहीं वाला हूँ क्योंकि पीछे से आ चुका है जोन, और भाई ये अगर आगे जोन के बाहर वेट करने लगा ना तो भाई ओ ये क्या वे भाई ये क्या कर रहा था यहाँ पे भाई, ये ओपन लूट रहा है और भाई वो मेरे को मार रहा है। देखो मतलब उसने मेरी जिद निकालने के लिए, इसको तो खत्म कर देंगे पहले हम। बट यार अब एक चीज़ है कि यार वो सामने वेट ना कर रहा हो जोन के बाहर, अगर वो जोन के बाहर वेट कर रहा होगा ना तो यहाँ मेरा गेम खत्म है। तो गाइज अभी यहाँ हमें मिल चुकी है गाड़ी, और भाई इसको तो मैं लेना भाई प्रेफर ही करूंगा क्योंकि भाई जोन एक तो बहुत दूर है, और ऊपर से भाई इसमें है स्पीड बूस्टर तो यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और यार अगर कोई यहाँ पे वेट कर रहा होगा मेरा तो भाई उससे भी मैं बच जाऊंगा। तो यार अगर आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में हो तो भाई ज़रूर गाड़ी लो, पर मैं मेरे हिसाब से पहले देख लिया करो यार, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी के पीछे कैंप करते, एक साथ मेरे साथ हो चुका है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन भाई ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। ओके तो यार यहाँ गाड़ी देख रहे हो, सामने से गाड़ी निकल रही है, अभी मैं इनसे फाइट नहीं ले सकता क्योंकि यार हेल्थ नहीं है भाई, क्या करें। आप हाँ तो भाई अब आ जाओ, अब भाई मिल चुका है हमें अपना प्यारा जैगर, और भाई अब अगर कोई सामने आया तो भाई उसको एकदम से भून देंगे। वैसे एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पे कि यार अपडेट के बाद ना हर व्हीकल का डैमेज बहुत कम कर दिया, मतलब एक तो डैमेज कम कर दिया और ऊपर से अगर आपको कोई गोली मार रहा है तो यार कुछ ही सेकंड्स के बाद आपका व्हीकल फटने को तैयार होगा। तो यार ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, बट यार जैगर जैसी चीज़ को अगर हराना तो यार ये तो करना पड़ेगा भाई। तो अभी यार आगे जो गाड़ी गई थी उसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही है भाई, कहाँ पर छुप गई है गाड़ी। ये देखो इस महाशय को भाई, देखो कितना बिजी है ये उनको देखने में, मतलब इसको गोली पड़ भी रही है और पीछे नहीं मुड़ेगा भाई, कसम से क्या ही खतरनाक प्लेयर है ये भाई, पूरा खत्म कर दिया इसको, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई मारने वाला कौन है। यार एक लाइक बनता है इस वाले प्लेयर के लिए, कसम से कर दो यार। ओके गाइस यहाँ पे चल रही है फाइट दो गाड़ियों के बीच में, ठीक है। तो यार अब ओ ये क्या करने आ रहा भाई, इसको पहले निपटाते हैं कसम से भाई, ये मतलब अलग ही स्वैग में चल रहा है भाई। दो गाड़ी आगे एक जैगर पीछे, और भाई तुम बीच में चल रहे हो वो भी ऐसे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, खत्म करो इसको सबसे पहले। अबे अबे अपना प्लेयर तो यार नॉक पड़ा हुआ है गाइस, क्या लगता है इसको रिवाइव देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता है भाई वो अगला बंदा यार कसम से तैयार में होगा, मतलब जैसे ही नॉक किया तो भाई पुश मारने के लिए तैयार। लेकिन यार कोई बात नहीं यार, रिस्क ले लेते हैं भाई, टीम में टीममेट होता है यार, क्या बोलूँ अब मैं यार। यहाँ पे मैंने एक चीज़ का नोटिस करना है क्योंकि यार शील्ड मेरी देखनी, ओ भाई शील्ड फट गई यार, इससे मैं ज़्यादा देर तक अब लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे लड़ता रहा ना तो यार खत्म हो जाऊंगा कुछ ही देर में। भाई ये तो निकल गया गाड़ी से, निकलो निकलो भाई अंदर, आप शील्ड भी नहीं है और हेल्थ भी नहीं है, पहले तो यार शील्ड मारना पड़ेगा और ये घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको दिख चुका मैं इस घर में आया हूँ, अगर वो पुश मारने तो आएगा मेरे पे, इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता भाई। तो यार ये हम लोगों ने मार चुकी है हील यहाँ पे, और भाई अब यहाँ पे मेरे प्लेयर को फिर से उस बंदे ने नॉक कर दिया भाई, अब उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है यार, फुटस्टेप्स तो आ रहे हैं बट यार कहाँ पे है वो मुझे दिख नहीं रहा है यार, कहाँ चला गया। ये देखो भाई, ये भाई इसमें बैठने की कोशिश कर रहा है और वो भी फटे, ओ भाई ये तो निकल गया भाई, कहाँ 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 भाई, यही यही बंदा था जिसने, ओ भागो 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 भाई भागो भागो भाई, कहाँ कहाँ से गोलियाँ पड़ती है यार, कसम से एक जगह टिकने भी नहीं देते हैं यार ये बंदे। गाइस तो ये कोई बंदा भाई जोन के बाहर गाड़ी पता नहीं क्यों बार बार दीवार के साथ, ओ ओ भाई ये देखो कहाँ बैठा हुआ है बंदा, कसम से यार एक भाई मैगजीन खाली कर दी मैंने उस गाड़ी के ऊपर, लेकिन तब तक इसने कुछ नहीं किया भाई, अब जैसे ही मैं मारने ही लग रहा हूँ और यार ये मेरे को मारने को आ गया। ओके तो गाइस इसने अपना सेंसर ऑन कर दिया तो इसको शायद पता होगा कि मैं कहाँ हूँ, बट यार पता नहीं कितने बंदे हैं यार, क्या चलता है भाई मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आती यार, जब भी मैं किसी को मारने की कोशिश करता हूँ भाई तभी मेरे ऊपर गोलियाँ आती हैं यार, गलत होता है भाई मेरे साथ हमेशा। तो यार अभी पता नहीं ये कितने बंदे हैं भाई, पहले ये देखना पड़ेगा। वो देखो, ओ देखो भाई क्या ही टीपीपी ले रहा है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त भाई, ताली होनी चाहिए भाई, कसम से ताली होनी चाहिए इस बंदे के लिए। तो अभी इसका दूसरा बंदा भी है क्योंकि ये नॉक हुआ है। ओके वो देखो भाई इसका दूसरा बंदा, देखो भाई भाई इसको कैसे मारे यार, ऐसे हेड दिया इसको थोड़ा सा यार, पहले इसको खत्म करते, जोन आ गया भाई, निकलो 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 यहाँ से पहले। तो गाइस पता था मेरे को ये थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा, लेकिन इतना भी डैमेज, ओ भाई ये कौन सा आर्मर लेके बैठा है गाइस, कसम से अगर मेरे ही इसकी 1v1 हो जाती ना तो यार शायद मैं खत्म हो सकता था, क्योंकि भाई आर्मर इसका इतना ज़बरदस्त था यार, और थोड़ा एम हो जाता तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मसाला पड़ जाता यार सब्जी में, ऐसा हो जाता। तो यार अभी थोड़ा सा हील कर लेते क्योंकि भाई बचा सिर्फ एक बंदा, और यार मैंने गोली चलाई और उसको तो पता ही होगा कि मैंने गोली कहाँ से चलाई है, तो शायद मेरे को ना देख रहा हो, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा।
ओ देखो भाई, भाई ड्रॉप ले रहे हैं जनाब, तो ड्रॉप ले रहे हैं भाई, पकड़ लिया आप, कसम से गुस्सा दिला दिया इसको मैंने भाई, ये कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। नहीं नहीं ये मत चला भाई, मत चला यार, कहाँ बच के जाऊंगा मैं यार, यार चुपचाप करके ड्रॉप लूट रहा था, वो लूटने दे रहा था भाई, ऐसे ही मैंने यार उसको गुस्सा दिला दिया गाइस, कसम से देखो कैसे पीछे दौड़ रहा है मेरे यार, फिर क्या बोलूं मैं यार, किस्मत खराब है मेरी भाई। भाई बहुत डैमेज दे चुका है ये, भाई बहुत डैमेज दे चुका है भाई, गेम पलट सकती है यहाँ पे, कसम से बता रहा हूँ। यस भाई ये चीज़ हुई ना सही गाइस, उसके टांगों पे मैंने एकदम वार किया और भाई उसकी टांग हो चुकी है डैमेज, तो यार यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल चुका है मेरे को, अब बस कि उतर जाए, बस यार उतर गया बस, अब टेंशन नहीं है गाइस, क्योंकि देखो टांग पे अगर मारेंगे ना तो यार थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी इसकी, और भाई मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इसके ऊपर फायर करने का। यार हील मार लो यहाँ पे चुप करके, जब तक वो भी कुछ नहीं कर रहा है मैं भी कुछ नहीं करूँगा, उसको पहले आने दूंगा भाई, मैं नहीं जाने वाला। तो गाइज अभी बंदे को पड़ चुका है बहुत ज़्यादा डैमेज और मुझे पता है वो अब मेरे पीछे तो आने वाला नहीं है, बट इसका मैं एक चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं भाई जल्दी से चला जोन में और एक तगड़ा सा कवर ढूंढने लगा और भाई चुप करके पीछे रहने लगा, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा चांस गलत लग रहा है मेरे को। तो गाइज ये बंदा आ चुका है सामने और भाई यहाँ पे हो गई हमारी विक्ट्री। और यार मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने स्टार्टिंग से लेके SMG यूज़ की है, तो यार आप लोगों को क्या लगता है SMG ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या भाई AR ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ये मेरे को ज़रूर बताना। और यार वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर देना, और यार कोई अगर नया बंदा चैनल देख रहा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।